हाय दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारा फार्मालोजी चैनल में। हम आपके लिए लेकर आए फिजियोसेलिक ऑइंटमेंट। दोस्तों आज की वीडियो में इस क्रीम के बारे में बात करेंगे दोस्तों, और बताएंगे इस फिजियोसेलिक ऑइंटमेंट क्रीम के बारे में, जो आपको किसी मेडिकल स्टोर या केमिस्ट्री शॉप पर आसानी से आप इसको परचेस कर सकते हैं। एंड दोस्तों आज की वीडियो में इस क्रीम के बारे में जानेंगे, इसका क्या यूज होता है, कैसे फेस पर अप्लाई करनी चाहिए और कौन कौन सी परेशानी को ये दूर करती है फेस पे, की क्या इसका यूज होता है। दोस्तों सारी बातें जानेंगे। दोस्तों मेडिसिन से रिलेटेड नॉलेज पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। एंटर दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, बताते हैं इस क्रीम के बारे में, जो आपको 20 ग्राम में मिलेगी। दोस्तों इसके अंदर क्या साल्ट होता है, दोस्तों इसके अंदर साल्ट होता है क्लोबिटासोल एंड प्रोपियोनेट एंड सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट। दोस्तों इसके अंदर यही साल्ट होता है। चलिए इसके कंपोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन सा कंपोजिशन इसके अंदर मिलाया गया है, यानी कि मॉलिक्यूल्स कितने कितना मिलाया गया है। तो दोस्तों इसके अंदर क्लोबिटासोल प्रोपियोनेट मिलाया गया है 0.05% एंड सैलिसिलिक एसिड मिलाया गया 3.00% ऑइंटमेंट बेसिस। दोस्तों इसके अंदर यही मॉलिक्यूल्स मिलाए गए हैं एंड इन्हीं मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है ये क्रीम। दोस्तों 20 ग्राम में आपको ये क्रीम मिलेगी। चलिए इसको ओपन करके दिखा देते हैं किस तरह की क्रीम आपको ये मिलेगी। ओके दोस्तों इस तरह की क्रीम आती है दोस्तों। एंड और इसकी MRP की बात करें तो दोस्तों आपको 111 रुपये का मिल जाएगा। आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर या केमिस्ट्री शॉप पर आसानी से इसको परचेज़ कर सकते हैं। चलिए इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं, किस किस यूज में आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अपने फेस पर काले धब्बे को हटाने के लिए या पिंपल्स के निशान को हटाने के लिए या झाइयाँ हो जाती है चेहरे पर उसको हटाने के लिए तो आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों अपने फेस पर। और एक बात और बता देते हैं दोस्तों, ये स्टेरॉइड क्रीम होती है। आप अपने चेहरे पर इस क्रीम को लंबे टाइम तक इस्तेमाल नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट भी देखने मिलते हैं। कोई सी भी स्टेरॉइड क्रीम हो तो आप अपने फेस पर अप्लाई ना करें लॉन्ग टाइम तक, यानी कि लंबे टाइम तक आप इस्तेमाल ना करें अपने फेस पर। ओके दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, जैसे कि चेहरे को लाल कर देती है, या दोस्तों धूप में आप ना जाएं इस क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो जैसे कि सनलाइट में जाएंगे तो आपका चेहरा लाल हो जाएगा और पिंपल्स के भी होते हैं निशान, वो भी डार्क हो जाते हैं। तो दोस्तों आप इस क्रीम का इस्तेमाल करें तो अपने फेस को धूप से बचाना है। एंड जब भी इस क्रीम का इस्तेमाल करें तो दोस्तों आपको नाइट में सोते टाइम लगाना है फेस को क्लीन कर और हल्की क्रीम लगानी है फेस पर, ज़्यादा क्रीम नहीं लगानी है दोस्तों। एंड और कुछ रह गया दोस्तों इस क्रीम को बताने में हमसे, तो दोस्तों आप ज़रूर हमारे चैनल पर कमेंट करके हमसे पूछें दोस्तों। एंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें दोस्तों, और लाइक करें हमारे चैनल को दोस्तों, और प्रेस सब्सक्राइब करें हमारे बेल आइकन को, जिससे कि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे रेगुलर। एंड दोस्तों हमारे साथ बने रहने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज की वीडियो में इतने बताना चाहते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।